अस्सलाम वालेकुम एडीपी। आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। व्हाई माइक्रोस्कोप? क्योंकि बेटा हम सेल को पढ़े हैं और सेल के पॉइंट में यू नो दैट सेल वेरी स्मॉल है, माइक्रो पार्टिकल है, इतना छोटा जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें ऑफकोर्स किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने डिस्कस किया रॉबर्ट हुक के सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के बारे में। सो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग सेल और सेल के ऑर्गेनल्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्टली रेजोल्यूशन ऑफ आई, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रेजोल्यूशन। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। रेजोल्यूशन बेटा कहते हैं जब दो पॉइंट के दरमियान में हम क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन कर सकें, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। यू कैन से दैट आपकी आँख की या माइक्रोस्कोप की एबिलिटी के कितने फासले से वो दो चीज़ों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ आई, ठीक है। व्हाट इज़ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से अलग अलग कर सकें, देख सकें, वो रेजोल्यूशन है। और ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कितनी है? एटलीस्ट 1.0 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। इंसान जो है 1.0 mm की दूरी पर किसी दो चीज़ों को अलग से डिफरेंशिएट करके देख सकता है कि ये दो पॉइंट्स हैं। और हम लोग रेजोल्यूशन को ऑफकोर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ लेंजेस, जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप को स्टडी करने वाले हैं और उसके यूज़ से हम लोग इससे भी छोटी चीज़ों को जो 1.0 mm से भी स्मॉल हैं उनको भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, चूँकि हम अपनी रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लेंगे। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो माइक्रोस्कोप बेटा हमने डिस्कस करनी है। वन इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अदर इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले वो क्या है कि टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेजोल्यूशन कितनी होती है? इट इज़ 2.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। रेजोल्यूशन कितनी है? 2.0 माइक्रोमीटर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इज़ द मैग्नीफिकेशन। अब व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? इसको याद रखें बेटा, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। तो मैग्नीफिकेशन क्या है कि उस छोटी चीज़ को जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं दे रही, इन लेंजेज के थ्रू या इस माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखेंगे तो वो हमें कितनी बड़ी करके दिखाई देगी, जो कि हम उसको अच्छे से क्लियर कट समझ सकें कि ये किन चीज़ों से बनी है या इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसकी फॉर्मूलेशन कैसी है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। दोनों को अलग अलग रखें। अगेन रेजोल्यूशन जो है दो निकतों के दरमियान वाजे फ़र्क करना है, साफ देखना कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दैट इज़ रेजोल्यूशन। और मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन चीज़ों को बड़ा करके देखना, कितना बड़ा करके दिखा सकते हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एबिलिटी कितनी है? वो नेकेड आई से 500 टाइम्स, कितना बेटा? इट इज़ अबाउट 500 टाइम्स जो है वो बड़ा करके चीज़ों को दिखा सकती है। यहाँ आप देख रहे हो 500 के साथ ज़रब का निशान, आप कह सकती हैं मल्टीप्लिकेशन साइन है, एक्स साइन है, आप इसको जो भी कहें, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। इस साइन को हम साइंस में पढ़ते हैं, इस साइन, इस अलामत को हम बायोलॉजी या साइंस में पढ़ते हैं एज टाइम्स। टाइम्स का मतलब गुना, 500 गुना, 500 टाइम्स हम इसको बड़ा करके देख सकते हैं। यानी अगर कोई चीज़ आपको 2 mm दिखाई दे रही है तो 2 × 500 वो 1000 mm आपको बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो आपने 500 टाइम्स मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 500 टाइम्स किसके है? टू द नेकेड आई, ये बात अच्छे से याद रखें। हमारी आम आंख किसी चीज़ को जितना देखती है उसे 500 गुना बड़ा करके वो चीज़ हमें कौन दिखा सकती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। इसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो टिपिकल लेबॉर्ट्री माइक्रोस्कोप है, जो कि हम लोग आम अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। हमारे कॉलेज में भी दो माइक्रोस्कोप मौजूद हैं कंपाउंड, इसके अलावा भी जो टिपिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ हो रही है, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक थोड़ी सी मैं आपको शेप दिखा देती हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसी होती है, और एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन उसमें लेंसेज की मौजूदगी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लेंसेज कहाँ मौजूद होते हैं। बट ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई जा रही है, ठीक है। दिस वन, सॉरी, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गई, ठीक है, जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पे आपको ये एक ट्यूब नज़र आएगी जिसके ऊपर यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ अगर नोट करिए आप, तो यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर आपकी आई, चूँकि आप अपनी आई, ये आई पीस है, यहाँ से आप अपनी आँख अटैच करते हैं देखने के लिए चीज़ों को, तो ये क्या कहलाता है? ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर का वर्ड साइंस में बेटा आई के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी आंख के लिए। सेकेंडली क्या है, ये यहाँ पे एक और
जगह है जहाँ पे आपको लेंसेज दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हुक ने जो अपनी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी वो एक सिंपल ट्यूब पर मुश्तमिल थी जिसके दोनों सिरों पर लेंसेज थे। इसी तरह देखें आप, ये एक ट्यूब बन जाती है। अगर आप नोट करें कि ये जो है यहाँ से नीचे तक क्या है, एक ट्यूब की फॉर्म है, और इस ट्यूब के ऊपर वाले सिरे पर भी जो है क्या मौजूद है, अगर मैं इसको रेज करके दोबारा आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, सॉरी, ये तो यहाँ देखें, ये जो है एक ट्यूब है, कौन सी, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इस ट्यूब के ऊपर वाले सिरे पर कौन से लेंसेज मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलर लेंस, ठीक है। एक इस ट्यूब के पहले सिरे पर मौजूद है आईपीस के साथ, और दूसरा जो है इस ट्यूब के आखिरी सिरे पर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यहाँ से आपको समझ रहेगी, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके नीचे यहाँ ये प्लेस जो है, ये मैं अगर आपको यहाँ से यूँ शो कर सकूँ, ये जो प्लेस है, ठीक है, इस जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं जिसको हमने देखना होता है, और ये उस स्पेसिमेन के करीब तरीन जगह है जहाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब यहाँ से आपको समझ आ गई होगी, ये एक माइक्रोस्कोप है कंपाउंड जिसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद है, ओक्यूलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि अभी के लिए ज़रूरी थी इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट अपने वही पॉइंट पर चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ से आप देखें कि हम ये कह रहे हैं मैग्निफिकेशन जो है वो वेरिएट करती है लेबॉर्ट्री में मौजूद या यूज़ होने वाली माइक्रोस्कोप की। अब वो किस तरह से वेरिएट करती है, क्योंकि हम लेंसेस की जो स्ट्रेंथ या पावर है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स वाई वो अपनी मैग्निफिकेशन को भी बढ़ा या कम कर सकती है। आप यहाँ पे नोट करें कि जो हमारा ओक्यूलर लेंस है, ये देखें ओक्यूलर लेंस, ठीक है, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो चेंज कर सकते हैं हम 5 times और 10 times यूज़ कर सकते हैं, जो कि अमूमन हमें अवेलेबल होती हैं साथ में माइक्रोस्कोप के। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी पावर जो है वो कितनी है, 20 times, 40 times और 100 times। तो फिर मैग्निफिकेशन हमें कैसे पता चलेगी कि इस वक्त जो हमने लेंसेज यूज़ किए, चाहे वो ओक्यूलर में 5 times या 10 times था, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव में वो 20 या 40 times था या 100 times था, तो अब इनको यूज़ करने के बाद हमारी मैग्निफिकेशन क्या बन चुकी है, हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज़ ऑफ बोथ लेंसेज। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चल जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने डिस्कस किया है कि आपके ओक्यूलर लेंस में अगर 10 times जो है वो मौजूद है, लेंस में मौजूद है 10 times की पावर, और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 40 times है, तो हमें क्या करना होगा, हमने बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 into 40, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन पावर बनेगी वो कितनी होगी, 400 times, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पावर कितनी बन गई यहाँ पे हमारे पास, 10 into 40, 400 times। तो ये बहुत बहुत आसान है, आप मैग्नीफिकेशन पावर कैसे निकाल सकती हैं, और ये वेरिएट करेगी ऑन द यूज़ ऑफ द लेंसेज, ठीक है। अब रेजोल्यूशन जो है, ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट हो गया कि मैग्नीफिकेशन तो यूँ थोड़ी चेंज हो सकती है क्योंकि लेंस का यूज़ डिफरेंट हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या है कि रेजोल्यूशन हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और रेजोल्यूशन क्या है, हमने पहले स्टार्ट में पढ़ लिया था, इट इज़ 500 times ऑफ द नेकेड आई, तो ये 500 गुना जो है वो ज़्यादा रहेगी हमारी नेकेड आई से, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क करती है ऑन द विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट यानी कि ये जो हम सूरज की रोशनी देखते हैं उसकी लाइट में ही हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, सॉरी, जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसको फंक्शन हम कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया सेकंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमने डिस्कस करनी थी, दो हमने डिस्कस करनी थी, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फर्स्टली द रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी है, जिस तरह से हमने डिस्कस किया रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेम है, तो इसकी रेजोल्यूशन बेटा कितनी है, 2 to 4 angstrom है, ठीक है।
कितनी हो गई, 2 to 4 एंगस्ट्रॉम हो गई। रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंगस्ट्रॉम इज अ स्मॉल यूनिट एज दैट कम्पेयर टू द माइक्रो, तो इसका मतलब है उससे भी छोटी चीज़ें जो कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी वाजे दिखाई नहीं दे रही, हम उनको किन की मदद से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, इट इज़ 500 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हमने कहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 500 टाइम्स बोला, बट दैट 500 टाइम्स इज फ्रॉम द नेकेड आई, ओके। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं 500 टाइम्स ग्रेटर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को नेकेड आई से कंपेयर करें तो हमें 2 times 500 टाइम मिला, यानी 500 टाइम्स इंटू 500 टाइम्स, पहला 500 गुना किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, देन 500 टाइम्स किसका, कंपाउंड पहले नेकेड आई का जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ हुआ, फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो 500 इंटू 500 कितना बन गया बेबी, इट इज़ अबाउट 250,000 टाइम्स, ठीक है। ये कितना हो गया, 250,000 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, 250,000 गुना ज़्यादा हम लोग चीज़ें बड़ी देख सकते हैं नेकेड आई से, किसके थ्रू, बाय द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उसकी रेजोल्यूशन तो हम फर्स्टली डिस्कस कर ही चुके हैं, दैट इज़ 2 to 4 एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद इल्यूमिनेशन है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसमें चीज़ों को देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा एल्यूमिनेशन क्या होती है, वो हाँ हमें किसको यूज़ करना पड़ता है, रोशनी के लिए, लाइट के लिए, जिसके थ्रू हम लोग देख सकें, तो हम किसको यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं, ये जो है एल्यूमिनेशन कास्ट करती है, ये वो रोशनी, वो स्ट्रेंथ कास्ट करती है जिसके थ्रू हम स्मॉल चीज़ों को भी देख सकें। इलेक्ट्रॉन्स की बेटा एक बीम को या एक श्वा को बाढ़ किया जाता है, बुछाड़ की जाती है उस कंपोनेंट के ऊपर, उस स्पेसिमेन के ऊपर जिसको हमने देखना है, और फिर वहाँ पे इतनी लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, इतना वो विजिबल हो जाता है कि हम उसको देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइब सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि हम लोग इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेल चूँकि यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, इसका मतलब है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वेरिएबिलिटी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर तो हम डिस्कस कर चुके हैं सेम ही है, लेकिन सेल आगे अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा एक दूसरे से वेरिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो कैसे वो डिफरेंशिएट करते हैं विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा, लाइक एनिमल सेल है, उसमें हमने राउंड अबाउट जो है वो 5 types जो हैं सेल्स की डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं, सॉरी जो फंक्शन करती हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ, लाइक फर्स्ट वन इज़ मसल सेल, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनमें सुकड़ने और फैलने की सलाहियत होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद नर्व सेल्स हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, इनका काम क्या है कि एसाबी पैगाम भेजना, हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भेजना, और वहाँ से आने वाला जो रिस्पॉन्स है वो अगेन हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक भेजना, कि इनका काम है नर्व सेल्स का। तो ये नर्व इम्पल्स को, जिस तरह से हम लोग अपना मैसेज कह सकते हैं, टेलीफोनिक मैसेज वगैरह हम फॉरवर्ड करते हैं, इसी तरह से तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरह से ये भी नर्व इम्पल्स के जो हैं या मैसेज असाबी पैगाम जो है वो भेजती हैं। नंबर थर्ड में है ग्लैंड सेल्स, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्लैंड सेल्स जो हैं वो क्या काज करते हैं, सिक्रीशंस काज करते हैं, ये अपने हॉर्मोन्स रिलीज करवाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स, ये कैरी ऑक्सीजन करते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और फिफ्थ वन इज स्टमक सेल, जो के इनमें से कुछ सेल्स जो हैं हमने पढ़ा हुआ है स्टमक की एग्जांपल को एज इन द ग्लैंड, जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, लाइक यहाँ पे स्मूथ मसल्स मौजूद थे जो वहाँ पे मोशन प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके अलावा स्टमक में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं और वो गैस्ट्रिक जूस को जो है वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम बेटा डिस्कस करेंगे प्लांट सेल को, प्लांट सेल्स में भी इसी तरह से हमने कोई राउंड अबाउट 6 एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस करेंगे। और आपको अच्छी बात यह है कि आप 6 की 6 जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस को अच्छे से याद कर लें,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज ऑल दैट। फर्स्टली जाइलम, जाइलम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को कंडक्ट करता है, चूंकि प्लांट सोयल से जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हमारे ज़मीन से लेकर पानी को सॉयल से लेकर उसके एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी हवा में मौजूद जो हिस्से हैं, जो उसका तना है या उसके शाखें या पत्ते हैं, वहाँ तक पानी को पहुँचाता है। वाटर एंड मिनरल्स को वो जाइलम सेल्स हैं। नंबर टू फ्लोएम सेल्स, जैसे मैंने कहा था फेस से फ्लोएम एंड फेस से फूड, तो ये वो है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। उसके बाद स्क्लेरेन्काइमेटस सेल हैं, बट ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को, क्योंकि प्लांट जो है वो एरियल पार्ट भी होते हैं उसके, जिसे हवा में खड़े रहना है अपने स्टेचर को, तो ये वहाँ पे उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लोरेन्काइमेटस सेल्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हैं और ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो स्टोर करता है सरप्लस फूड को, एंड मेरिस्टमेटिक सेल्स जो हैं वो न्यू सेल्स को हैं वो डेवलप करवाएंगे। मेरिस्टमेटिक सेल बेटा न्यू बोर्न सेल्स कहला सकते हैं, ऐसे सेल्स हैं जो हमेशा इन्फेंट रहते हैं, हमेशा बेबी सेल्स रहते हैं, और जब कभी प्लांट को कहीं पे भी नए सेल्स की ग्रोथ की या नए सेल्स की ज़रूरत होती है, तो ये वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यू सेल्स को डेवलप करवाते हैं। यू कैन से दैट इनमें सेल डिवीजन की सलाहियत हमेशा रहती है, ये सेल डिवाइड होकर एक से दो बन सकते हैं और दो से चार, इसी तरह से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स क्योंकि अपने फंक्शन के लिहाज से वेरिएट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनकी शेप और साइज़ भी एक दूसरे से क्या होंगे, काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। उसके बाद हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइल ऑफ अ जनरलाइज सेल्स कैन बी स्टडीड, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि हम माइक्रोस्कोप को क्यों स्टडी कर रहे थे, क्योंकि हमने सेल को स्टडी करना है। तो सेल को कैसे स्टडी किया जा सकता है, उसके दो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन इज़ द माइक्रोस्कोपी, जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी कि माइक्रोस्कोपी क्या है। हम लोग अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और यू कैन से दैट दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए सेल को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इस स्टडी को हम माइक्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो है जिसके थ्रू हम लोग जनरलाइज सेल को स्टडी करते हैं, दैट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन। बट सेल फ्रैक्शनेशन बहुत ही सिंपल और आप सभी फैमिलियर हैं इसके साथ, मतलब नेम थोड़ा सुने तो लगता है वो कुछ डिफरेंट कुछ मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको स्टडी करेंगी तो आपको पता चलेगा। हम तकरीबन चूँकि आप लोग तो गांव में रहते हैं, तो सभी के घरों में सेल्फ फ्रैक्शनेशन का प्रोसीजर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करते हुए हो रहा है। अगर आप जानती होंगी घर में वो मधानी चलाते हैं ना सुबह को दूध में मक्खन और लस्सी को अलग करने के लिए, तो वो क्या है बेटा, वो एक रिलेशन में आप रिलेट कर सकती हो उसको सेल्फ फ्रैक्शनेशन के साथ। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि प्रोसीजर तकरीबन सेम है। तो ये इसमें क्या होता है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन में हमारे पास जो मशीन है या जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज में बेटा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज में स्पिनिंग की जाती है, यानी जिस तरह आप कपड़े मशीन में डालती है और मशीन चला देती है तो स्पिन होता है ना उसका प्लेट, और जिसकी मदद से कपड़े जो हैं वो रोटेट होते हैं, सारे उसमें घूमते हैं। और मधानी का काम भी क्या है, मधानी को गोल गोल घुमाते हैं, जिसकी मदद से वो दूध जो है उसमें मौजूद जो भी आपने डाला हुआ है वो बहुत तेज़ी के साथ गोल गोल घूमता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पिनिंग। तो स्पिनिंग के दौरान बेटा क्या होगा, सेल्फ फ्रैक्शनेशन के दौरान क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं जो कि हम सेल को चूँकि अलग करें तो टिश्यूज़ डाले हुए हैं वो होमोजेनाइज हो जाएंगे और डिसरप्ट हो जाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। और जब वो होमोजेनाइज होंगे, होमोजेनाइज का मतलब, होमो का मतलब एक जैसे, उनका सारे का सारा, चूँकि हमने सेल का एक स्ट्रक्चर देखा जिसमें अभी हमें आपको न्यूक्लियस अलग से दिखा के आई, साइटोप्लाज्म, हर चीज़ अलग अलग अपनी एक खास शेप और साइज़ रखती थी, वो सब एक जैसे हो जाएंगे। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो सब के सब एक जैसे हो जाएंगे और डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे अपने वेरियस पार्ट्स में ऑफ द सेल्स, और सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे सेपरेट होंगे। व्हाट इज डेंसिटी बेटा, हम सिंपली यूँ कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है आप उसको सिंपली यूँ ले लें वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहरहाल इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो अभी हम नहीं छेड़े, हम लोग एक सिंपल सा मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। डेंसिटी का मतलब ले लें कि वेट के अकॉर्डिंग ये अलग हो जाएंगे। आपको भी पता है जो चीज़ें हल्की होती हैं वो हमेशा ऊपर आ जाती हैं, जो भारी होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। जब दूध में मधानी चलाते हैं तो मक्खन सारा ऊपर तैरना शुरू हो जाता है क्योंकि वो लाइट इन वेट होता है, और लस्सी जो है वो सारी की सारी नीचे चली जाती है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, डिफरेंट लेयर्स, ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर और भारी चीज़ें नीचे। अगर आप उसमें कुछ और
चीज़ें भी ऐड कर दें जिनका वेट उनके दरमियान में होगा, मक्खन और लस्सी के दरमियान में, तो ऑफकोर्स ऊपर मक्खन की लेयर होगी, दरमियान में उस चीज़ की लेयर होगी जिसका वज़न मक्खन से तो ज़्यादा है लेकिन लस्सी से कम है, और नीचे फिर क्या आ जाएगी, लस्सी। तो हम ये कहते हैं कि सेल में भी उसके सबसे पहले टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, होमोजेनाइज और डिसरप्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस सेपरेशन इज़ अचीव्ड, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिस सेपरेशन इज़ अचीव्ड बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज और डिसरप्टेड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम सेंट्रीफ्यूगेस एट मीडियम स्पीड, ठीक है। और मीडियम स्पीड पे वो जब एक दूसरे से अलग होंगे तो वो कैसे होंगे, सेलुलर पार्ट सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड वेट। मेरा ख्याल है आप अच्छे से समझ गई होंगी, वो डिफरेंट लेयर्स में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, किस बेसिस पे, साइज और वेट की बेसिस पे, एंड ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा प्रोसेस है सेल फ्रैक्शनेशन। अब यहां बेटा हम एक डेफिनेशन पढ़े हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों है, क्योंकि हमने यहां एक वर्ड पढ़ा था कि मीडियम स्पीड, ठीक है, हम मीडियम स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जब ये प्रोसेस करेंगे तो सेल के जो पार्ट्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट लेयर्स पर अलग हो जाएंगे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद हम जो वर्ड पढ़े हैं दैट इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में सेम प्रोसेस को यूज़ किया जाता है लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो मीडियम स्पीड पर एक दूसरे से अलग नहीं होते, हम उनको अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेरी हाई स्पीड। और ठीक है, उसी सेंट्रीफ्यूज की हम बहुत ज़्यादा जब हाई स्पीड इस्तेमाल कर रहे हों उसके पार्ट्स या कंपोनेंट को अलग करने के लिए, तो उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। उस वक्त वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन एट मीडियम स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में स्पिनिंग की स्पीड अगर हम मीडियम रखते हैं तो सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है, लेकिन अगर हम सेंट्रीफ्यूज की स्पीड वेरी हाई रखें फॉर द सेपरेशन ऑफ द सेल कॉम्पोनेंट तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास सेल के बेसिक कंपोनेंट हैं वो हम कल भी पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ बहुत एक अच्छा एमसीक्यूज बताया गया है, यहाँ देखें, इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सेल है एंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, अब तो सेल की और भी टाइप्स बन गई लेकिन ट्रेडिशनल व्यू में हम लोग तमाम ऑर्गेनिजम्स को सेल डिवाइड करते थे दो हिस्सों में, नंबर वन इज़ द प्लांट सेल एंड नंबर टू इज़ द एनिमल सेल। और दोनों के दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, कैसे पता चलता था दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस इज़ एनिमल सेल, ओनली एंड ओनली बाय द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ द सेल वॉल। ये आपने याद रखना है, प्लांट सेल में अगर ये आप डायग्राम देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लांट सेल जो है उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि सॉरी एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि ये प्लांट सेल है दिखाया गया, और इसका आउटर मोस्ट मेम्ब्री जो है बाउंड्री जो है वो क्या है, अगर आप यहाँ नोट करें तो इट्स आउटर मोस्ट बाउंड्री इज़ सेल वॉल, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंस कि प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ये दोनों का डिफरेंस ट्रेडिशनली जो है वो यूज़ किया जाता था। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी दो सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होने वाला टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छे से तैयार करिएगा। यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम एनिमल और प्लांट के सेल्स होते हैं, द मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से हम इन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं वो आपने अच्छे से याद करना है कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है इसमें मौजूद होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इसका क्रोमेटिन मटीरियल, डीएनए मटीरियल और क्रोमोसोम्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में। मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर दिखाती हूँ लेकिन अभी हम पहले डेफिनेशन दोनों की पढ़ लेते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, लैक का मतलब बेटा यहाँ पे ना होना, इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट में, बल्कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है इन द साइटोप्लाज्म और वो मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये देखें, ये जी हम चलते हैं पेज नंबर 25 पे,
अगर हमें ये मिल जाए ये, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट किया गया है बाय द डायग्राम, हमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ अगर आप नोट करें तो फर्स्ट वन इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल, और बेटा आप यहाँ देखें इस प्रोकैरियोटिक सेल में दिस इज़ द न्यूक्लियर मटीरियल। ये थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे करके आपको क्लियर दिखा सकूँ जी, यहाँ पे ये बटा डीएनए है। डीएनए मीन न्यूक्लियर मटेरियल, वो मटेरियल जिसमें तमाम के तमाम सेल के स्ट्रक्चर और या यू कैन से दैट होल ऑर्गेनिज्म की बॉडी की इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्लाह ताला ने रखी है। इसे जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, डीएनए भी कहते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं। ये मटेरियल जो है वो डायरेक्टली सबमर्ज है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ अगर देखें तो मैंने आपसे कहा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पे दिखाया भी गया है दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्टली किसके अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। इसके गिर्द कोई कवरिंग नहीं है जो इसको साइटोप्लाज्म से अलग रख सके या सेल के बाकी हिस्सों से अलग रख सके। जबकि अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में देखें यहाँ पे एक बाकायदा गोल दायरे में आपको दिखा दिया गया है न्यूक्लियस, और इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री भी दिखाई गई है। दिस वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप। और तमाम का तमाम जेनेटिक मटीरियल, अगर ये धागा नुमा साखते हैं आप इसके अंदर देख रहे हैं तो ये क्या है, ये डीएनए मटेरियल है। अब ये डीएनए मटेरियल सेल के बाकी हिस्सों से सेपरेट हो गया किसकी प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ने इसको बाकी पार्ट, इस न्यूक्लियर मटेरियल को बाकी सेल से सेपरेट कर दिया, जिसमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस होगा। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा और वो सेल के बाकी हिस्सों से अलग हो जाएगा, वो सेल क्या कहलाएगा, एक यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। जबकि जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मौजूद होगा, न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, बल्कि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगा, वो क्या होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है इस डायग्राम से आपको वाजे समझ आ गई होगी। इसके अलावा बेटा एक स्मॉलेस्ट सा डिफरेंस था, एक ऐसा मेन डिफरेंस इसकी बुनियाद पे हम इसको डिफाइन भी करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। इसके अलावा भी डिफरेंसेस मौजूद हैं बहुत सारे इनके दरमियान में, जो कि हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग फिर कभी देखेंगे, सॉरी जब हम इस टॉपिक पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह तब हम लोग देखेंगे। तो राउंड अबाउट हम यहाँ फिफ्थ पेज पे थे, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आपको समझ आ गया बेटा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ आपको एक थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, दिस इज़ नॉट, बल्कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज टू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको बताया है कि सेल जो है, जैसे हमने अभी कहा, वो वेरिएट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने साइज़ में, चूँकि सेल एक दूसरे के साथ साइज़ में वेरिएट करते हैं तो स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल भी मौजूद होंगे। तो यहाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन को ये याद रखना है कि सबसे बिग साइज में सबसे बड़ा जो है सेल वो किसका होता है, एज बिग एज वो ऑस्ट्रिच का एग है। एग बेटा जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, लाते हैं, जैसे आप वहाँ हम लोग बहुत यूज टू हैं अपने मुर्गियों के अंडे खाने के, ठीक है, तो वो एग भी एक सेल की है, ठीक है। एग्जाम्पल वो एग कम्प्लीट का कम्प्लीट एक सेल है। तो इसी तरह से ऑस्ट्रिच का एग जो है बेटा वो सबसे लार्जेस्ट सेल है जो अर्थ अभी तक हम स्टडी कर पाए हैं, जो मौजूद है अर्थ पे, ठीक है। वो लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है द बिग वन और द लार्जेस्ट वन सेल इज़ द नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन, उसमें से आप ऑस्ट्रिच एग के ऑप्शन को क्लिक करेंगी, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक जो है वो डिफरेंट, जो हमें स्मॉल आंख से देखते हैं वो माइकोप्लाज्मा है। यहाँ पर नहीं बताया लेकिन आप याद रखें अगर याद करना चाहती हैं कि स्मॉलेस्ट जो सेल हैं वो किसके हैं, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियल सेल हैं। उसके अलावा यहाँ हमें बता रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हमने माइक्रो का वर्ड लास्ट में यूज़ किया था, अमूमन हम माइक्रोमीटर में जो है वो स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं सेल्स को। तो माइक्रो मींस 10^-6 मीटर, 10^-6 मतलब आपके जो भी डिजिट हैं 1 से लेकर 9 और सो ऑन, जो भी आपके स्टार्ट होंगे उससे पहले कितने टाइम 0 आएगा, 5 टाइम 0 आएगा, 1 को भी इंक्लूड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 0.000001 मीटर जो है वो क्या कहलाता है, 10^-6, और इसे हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये एक टर्म है, बहुत से लोग तो खैर इस टर्म से फैमिलियर भी होंगे। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक छोटा सा डिफरेंस हमें मजीद कर रहे हैं। पहला से हमने डिफरेंस कर दिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्लांट सेल जो है उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या होती है, वो सेल वॉल होती है, जबकि
प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहाँ सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होते, जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में होता है, जबकि एनिमल सेल्स में दरमियान में लार्ज वैक्यूल नहीं बल्कि स्मॉल वैक्यूल्स पूरे के अंदर होते हैं। और प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, जबकि एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट हैं। इसको आप चाहे आप अभी याद ना करें, क्योंकि आप लोग इन टर्म्स के साथ सभी लोग फैमिलियर नहीं हैं, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स एट्सेट्रा, लेकिन जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ऑफ कोर्स आप इसको साथ साथ तैयार कर लेंगी, तो ये सभी टर्म्स आपको बेटा अच्छे से समझ भी आ जाएंगी, आप सब इससे फैमिलियर हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल दोबारा रिवाइज कर लेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज का ये टॉपिक अभी ख़त्म कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और कल से इंशाल्लाह हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से वन बाय वन टॉपिक पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको पढ़ाया बेटा साथ साथ तैयार कर लें, क्योंकि अभी टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कभी नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।